नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा आपके एल्जेब्रिक मेथड जो है उसके अंदर आपके थ्री मेथड थे, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग, हमको क्या गिवन होगा, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो अपन मान लेते हैं जनरल फॉर्म उनकी, a1x + b1y + c1 = 0। ओके, एंड अदर इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। a1 एंड a2 कोएफिशिएंट्स ऑफ x, b1 एंड b2 कोएफिशिएंट्स ऑफ y, एंड c1 एंड c2 आर कांस्टेंट टर्म्स। ओके बेटा, अब इसको देखिए, फाइंड करने के लिए हमें मेथड फॉर्मूला लगाना होगा x और y का। तो x और y का फॉर्मूला कैसे बना है, देखिए आप लोग, अगर आपकी सभी वैल्यूज एक तरफ है, ओके, और अदर साइड जीरो है आपके पास, तब आपको क्या करना है, x y पॉजिटिव वन। बेटा जब सभी वैल्यूज एक तरफ होगी, मींस कांस्टेंट टर्म जो है आपकी वो वेरिएबल की तरफ होगी, तब तो आपको पॉजिटिव वन लेना है। ओके, अगर कांस्टेंट टर्म्स आपकी वेरिएबल की तरफ नहीं है और इक्वल टू के अदर साइड है, तो आपको यहाँ पे कौन सा, नेगेटिव वन लेना होगा। ओके ऑल ऑफ यू, ये चीज आप ध्यान रख लेना, जब भी आपकी कांस्टेंट टर्म एक तरफ होगी, मींस वेरिएबल की तरफ होगी, तब तो आपको पॉजिटिव वन लेना है, और अगर ये कांस्टेंट टर्म जो है इक्वल टू के अदर साइड होगी, तब आपको यहाँ नेगेटिव वन लेना है। ओके, तो इसके अंदर अपन देखते हैं सभी वैल्यू जो है हमारी कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, एक तरफ है वेरिएबल्स की तरफ, तो आप अपन ने यहां लिया है पॉजिटिव वन। ओके, अब क्या करना है, देखो x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, इसको हाइड कर लीजिए आप। ओके, तो कोएफिशिएंट्स y के और कांस्टेंट टर्म्स यूज करनी है अपन को, तो क्या करेंगे, b1 एंड b2, ओके, एंड c1 c2। ओके बेटा, उसके बाद देखिए, अगर आपको y की वैल्यू फाइंड, y की वैल्यू के लिए क्या करना है, y के अकॉर्ड में क्या आएगा हमारे पास, b के, y के कोएफिशिएंट्स को क्या करना है आपको, हाइड करना है। तो पहले कौन से लिखेंगे अपन, c1 अपॉन c2, ओके, देन लिखेंगे अपन a1 अपॉन a2। ओके बेटा, और कांस्टेंट टर्म्स के नीचे 1 के अकॉर्ड में अपन क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स वाली टर्म्स आ जाएगी आपकी, उसके अलावा कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2। ओके ऑल ऑफ यू, नाउ अब बेटा एरो लगेंगे इसके अंदर, एरो का सिंबल ध्यान रखना आप लोग, ये तो होगी फर्स्ट टर्म और ये कौन सी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में सेकंड टर्म। ओके, सिमिलरली फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट। ओके, मींस आप प्रोडक्ट करोगे तो पहले b1 मल्टीप्लाई c2 होगा, उसके बाद क्या होगा, b2 मल्टीप्लाई c1। ओके, एंड सेकेंड टर्म इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट टर्म। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, सेकेंड प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में से, तो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा हमारा, b1 c2। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है कौन सा, सेकेंड वाला प्रोडक्ट, मींस b2 c1। ओके बेटा, y अपॉन में देखिए आप, पहला प्रोडक्ट कौन सा है, c1 a2 सब्ट्रैक्ट करने है सेकंड प्रोडक्ट c2 a1। ओके, थर्ड देखिए बेटा, फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा हमारा, a1 b2 एंड सेकंड कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट, a2 b1। ओके बेटा, आप देखिए, आपको जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन कौन सा, ये रेशियो और ये रेशियो कंपेयर करेंगे। ओके, मींस इन दोनों को आप इक्वल रख दीजिए, इन दोनों को इक्वल रखोगे तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, 1 की तरफ। ओके, तो x की वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के पास चला जाएगा, बन जाएगा कितना, b1 c2 - b2 c1, और अपॉन में हमारे पास क्या है बेटा, a1 b2 - a2 b1। ओके, एंड y, जब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको इन दोनों रेशियोज को क्या करना है, कंपेयर, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के पास चली जाएगी, तो हमारे पास y की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c1 a2 - c2 a1 अपॉन में a1 b2 - a2 b1। ओके बेटा, ये आपकी x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन गया और ये आपकी y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन गया। बट लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि कांस्टेंट टर्म्स अगर वेरिएबल की तरफ है
तब तो आपको पॉजिटिव वन लेना है, ओके। और अगर ये इक्वल टू के अदर साइड है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वन लेना है। मीन्स सी वन और सी टू या तो दोनों एक साइड होनी चाहिए वेरिएबल की तरफ, या फिर दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल टू के अदर साइड, ओके। अगर एक तरफ होगी वेरिएबल की तरफ तब तो पॉजिटिव वन आएगा, और अदर साइड होगी तो कौन सा आएगा, नेगेटिव वन, ओके ऑल ऑफ यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ओके स्टूडेंट्स।